नमस्कार दोस्तों, हमारा बिहार में आपका स्वागत है। आज 30 दिसंबर 2019 है और 30 दिसंबर 2019 से जितने भी करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं जो बिहार से जुड़े हुए हैं उसको आज हम डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, इस वीडियो का PDF भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, और PDF हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम एप्लीकेशन में सर्च कीजिए हमारा बिहार HB और चैनल को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर आपको सारे दिन का PDF मिल जाएगा और सारे वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा। और दोस्तों, PDF आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रोवाइड किया जा रहा है। और दोस्तों, इस वीडियो के लास्ट में मैंने रिवीजन का 2 क्वेश्चन रखा है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, किस जिले के किसान से फ्लिपकार्ट तथा अमेजन कंपनी ने काला चावल यानी ब्लैक राइस की ऑनलाइन बिक्री के लिए अनुबंध किया है यानी कॉन्ट्रैक्ट किया है? तो दोस्तों, गया जिला के किसान से, ठीक है, गया जिला के किसान से फ्लिपकार्ट तथा अमेजन ने काला चावल यानी ब्लैक राइस की ऑनलाइन सेल के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया है। तो बी ऑप्शन इसका सही हो गया। गया के टिकारी शेर घाटी प्रखंड में काला चावल की खेती की जा रही है। उस चावल को फ्लिपकार्ट तथा अमेजन से के साइट से अब ऑनलाइन खरीदा जा सकेगा। अब दोस्तों, इस काले चावल की खेती हो रही है गया जिला में, तो चलिए फिर देखते हैं बिहार के मैप में गया जिला कहाँ पे है। तो दोस्तों, ये आ गया बिहार का मैप और ये रहा आपका गया जिला। गया जिला का सीमा और किस किस जिला से सटा हुआ है? तो देखिए, औरंगाबाद है, अरवल है, जहानाबाद है, नालंदा है और नवादा है, ठीक है। अब नाम आया है गया जिला का, तो चलिए इसके बारे में भी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जानते हैं। तो दोस्तों, गया जिला का स्थापना 1865 में हुआ है। यहाँ की प्रमुख नदी फल्गु नदी है। गया जिला से जो प्रमुख नेशनल हाईवे गुजरता है वो NH2 है, NH82, NH83 और NH99 है। और NH2 को स्वर्णिम चतुर्भुज बोला जाता है और NH2 को ग्रैंड ट्रंक रोड भी बोला जाता है। और ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने किया था? तो शेरशाह सूरी ने किया था। और दोस्तों, गया जिला जो है ये फल्गु नदी के किनारे बसा हुआ है, तो फल्गु नदी की लंबाई बिहार में 235 किलोमीटर है। फल्गु नदी को निरंजना नदी के नाम से भी जाना जाता है। और बिहार में सबसे ज़्यादा गर्मी तथा सबसे ज़्यादा ठंडा गया जिला में पड़ता है। और गौतम बुद्ध अभ्यारण्य गया जिला में है और गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति निरंजना नदी के किनारे हुई थी। विष्णुपद मंदिर गया जिला में है जिसका निर्माण अहिल्याबाई ने करवाई थी जो कि इंदौर की महारानी थी। और 1922 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन गया में CR दास की अध्यक्षता में किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कांग्रेस पार्टी का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो कांग्रेस पार्टी का दोस्तों 135वां स्थापना दिवस मनाया गया है। बी ऑप्शन इसका सही हो गया। अब दोस्तों, कांग्रेस का स्थापना दिवस मनाया गया है यानी 135वां स्थापना दिवस मनाया गया है, तो चलिए कांग्रेस के बारे में कुछ जानते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना 28 दिसंबर 1885 को मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुआ था। इसके संस्थापक थे AO ह्यूम और कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी को नियुक्त किया गया था। 1907 में कांग्रेस 2 दल में बंट चुके थे, गरम दल तथा नरम दल। गरम दल का नेतृत्व बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय तथा बिपिन चंद पाल ने किया था। और दोस्तों, इनको शॉर्ट में लाल बाल पाल कहा जाता था। और दोस्तों, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है इस लाल बाल पाल का फुल फॉर्म, तो इसका पूरा नाम हो गया लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद पाल, ठीक है। और नरम दल का नेतृत्व गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता और दादा भाई नौरोजी जी कर रहे थे। भारत में कांग्रेस के 7 प्रधानमंत्री रह चुके हैं, ठीक है। पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू 1947 से 1964 तक थे और अंतिम मनमोहन सिंह जो कि 2004 से 2014 तक थे, ठीक है। और बिहार में कांग्रेस का 2 अधिवेशन हुआ है जो कि 1912 में 1922 में हुआ है। 1912 में, ठीक है, पटना में हुआ था, 1922 में दोस्तों गया में हुआ था। और 1912 का ये पाटलिपुत्र नहीं हुआ, ये बाकीपुर अधिवेशन हुआ था 1912 का, ठीक है। और 1922 में गया का अधिवेशन हुआ था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन AIFF का 32वां राज्य सम्मेलन का आयोजन बिहार के किस जिला में किया जाएगा? तो ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन AIFF का 32वां राज्य सम्मेलन का आयोजन बिहार के सिवान जिला में किया जाएगा, ठीक है। बी ऑप्शन इसका सही हो गया। और इसका आयोजन 11 से 14 अप्रैल 2020 तक सिवान में होगा। अब दोस्तों, सिवान का नाम आया है, तो चलिए देखते हैं सिवान जिला बिहार के मैप में कहाँ पे है। तो दोस्तों, ये आ गया बिहार का मैप और ये है आपका सिवान जिला। सिवान जिला का सीमा किस किस जिला से सटा हुआ है? तो गोपालगंज और सारण से सटा हुआ है। और सिवान जिला का सीमा उत्तर प्रदेश राज्य से भी सटा हुआ है। ये जो क्षेत्र है ये उत्तर प्रदेश का है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश का बॉर्डर यहाँ से सटता है बिहार से। अब नाम आया सिवान जिला का, तो चलिए इसके बारे में भी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जानते हैं। तो दोस्तों, सिवान जिला का स्थापना 1972 में हुआ है। ये सारण प्रमंडल में आता है, मुख्यालय इसका सिवान है।
जनसंख्या है 33,30,464 व्यक्ति और क्षेत्रफल है 2,219 वर्ग किलोमीटर। सिवान का जनसंख्या घनत्व 1501 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है और लिंगानुपात 988 महिला प्रति 1000 पुरुष है। प्रमुख फसल गन्ना धान गेहूं है। सिवान जिला का प्रमुख उद्योग चीनी मिल पीतल तथा हथकरघा उद्योग है। यहाँ का प्रमुख नदियाँ दाहा तथा झड़ही है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है सरकारी विद्यालयों में उच्च शिक्षा की बदलती व्यवस्था को दिखाने के लिए अब मध्य विद्यालय के बच्चों को हाई स्कूल के में भ्रमण कराया जाएगा, तो इसके लिए सरकार के द्वारा कौन सी योजना चलाई गई है? तो दोस्तों इसके द्वारा चलाई गई है, इसके लिए चलाया गया सरकार के द्वारा ट्यूनिंग ऑफ स्कूल योजना, ए ऑप्शन इसका सही हो गया। और क्या है ट्यूनिंग ऑफ स्कूल योजना? तो इसके तहत मध्य विद्यालय के 8वीं के छात्र को हाई स्कूल का भ्रमण कराया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस शिक्षा बोर्ड द्वारा स्माइल विद्यालय नामक योजना शुरू की गई है? तो स्माइल विद्यालय नामक योजना शुरू किया गया है सीबीएसई के द्वारा। ठीक है, सी ऑप्शन इसका सही हो गया। इस योजना के तहत सीबीएसई के अंतर्गत रजिस्टर्ड विद्यालय को क्रोध मुक्त विद्यालय बनाया जाएगा। ठीक है, और सीबीएसई के द्वारा जारी किया गया क्रोध मुक्त प्रतीक चिन्ह यानी क्रोध मुक्त योजना का लोगों को सभी विद्यालयों में महत्वपूर्ण जगह लगाए जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कृषि को तकनीक से जोड़ने के लिए बिहार एग्रीकल्चर मैनेजमेंट एंड एक्सटेंशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के द्वारा किस नाम से प्रोजेक्ट शुरू किया गया है? तो कृषि को तकनीक से जोड़ने के लिए बिहार में बिहार एग्रीकल्चर मैनेजमेंट एंड एक्सटेंशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के द्वारा बागड़ी नामक एक, ठीक है, प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। बी ऑप्शन इसका सही हो गया। इस प्रोजेक्ट के तहत जे फॉर्म सर्विसेज, ठीक है, जे फॉर्म सर्विसेज नामक एक ऐप तैयार किया गया है और इस ऐप के जरिए किसान कृषि संबंधी यंत्र बुक कर सकते हैं। इस ऐप में ट्रैक्टर थ्रेसर सहित कुल 25 कृषि यंत्र जोड़ा गया है और किसान अपने जरूरत के अनुसार मशीनों को ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। ठीक है, और 3 साल पहले डी हाट नामक एक ऐप लॉन्च किया गया था जिसके द्वारा किसान अपने अनाज को ऑनलाइन बेच सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है देश के पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली का प्रतिमा लगाने वाला पहला राज्य देश का कौन सा बना है? तो देश के पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली का प्रतिमा लगाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है अपना बिहार। ये ऑप्शन इसका सही हो गया। और पटना के कंकरबाग में अरुण जेटली के मूर्ति का अनावरण नीतीश कुमार जी के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन है बिहार बोर्ड स्टेट टॉपर्स को इस बार गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री से मिलने का मौका मिलेगा। तो बिहार बोर्ड के किस देश के स्टेट टॉपर्स को इस बार गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री से मिलने का मौका मिलेगा? तो दोस्तों बिहार बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड, ठीक है, इन तीनों बोर्ड के स्टेट टॉपर्स को, ठीक है, इस बार गणतंत्र दिवस के दिन दिल्ली में मतलब स्टेट टॉपर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने का मौका मिलेगा। तो डी ऑप्शन इसका सही हो गया। ठीक है, सीबीएसई, आईसीएसई के जोनल और स्टेट टॉपर्स व बिहार बोर्ड के 10वीं और 12वीं के स्टेट टॉपर्स स्टूडेंट को 26 जनवरी 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलवाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है बिहार के किस जिले में उत्तर बिहार का पहला ऑटोमेटिक पावर सब स्टेशन स्थापित किया जाएगा? तो दोस्तों उत्तर बिहार का पहला ऑटोमेटिक पावर सब स्टेशन स्थापित किया जाएगा मुजफ्फरपुर जिला में। ए ऑप्शन इसका सही हो गया। और मौसम के अनुसार वोल्टेज कंट्रोल करता है PSS, यानी PSS का फुल फॉर्म हो गया दोस्तों पावर सब स्टेशन। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज का करंट अफेयर्स। चलते हैं कल के रिवीजन की तरफ। तो कल के रिवीजन का पहला क्वेश्चन था बिहार के किस जिला में वन विभाग के द्वारा मोर का संरक्षण तथा पुनर्वास किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो गया सहरसा जिला। बी ऑप्शन इसका सही हो गया। और कल का दूसरा क्वेश्चन था हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा कृषि क्षेत्र में गुड गवर्नेंस रैंकिंग जारी किया गया है, तो इसके अनुसार बिहार को देश में कौन सा स्थान मिला है? तो 4th स्थान मिला है। दोस्तों यहाँ पे एक कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे कृषि क्षेत्र में गुड गवर्नेंस रैंकिंग है, तो क्वेश्चन अगर रहेगा कृषि क्षेत्र में गुड गवर्नेंस रैंकिंग तो बिहार का स्थान 4th है, लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाएगा सिंपल से गुड गवर्नेंस रैंकिंग में बिहार का स्थान, तो गुड गवर्नेंस रैंकिंग में बिहार का स्थान दोस्तों 15वां है। ठीक है, आज का रिविजन का क्वेश्चन है दोस्तों हाल ही में राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा चिकित्सा सुविधा के लिए रैंकिंग जारी की गई है, तो इसके अनुसार कौन सा जिला प्रथम स्थान पर आया है? और आज का दूसरा क्वेश्चन है उद्यान विभाग के द्वारा बिहार के किस जिला को पपीता के खेती के लिए सबसे उपयुक्त बताया गया है? तो इस दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, तो फटाफट कमेंट बॉक्स में दोनों क्वेश्चन का आंसर टाइप कीजिए। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा या हेल्पफुल लग रहा है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए। और दोस्तों इस वीडियो का अगर आप ऑडियो सुनना चाहते हैं तो खबरी ऐप पे आप इस वीडियो का ऑडियो सुन सकते हैं, जहाँ पे प्रतिदिन शाम में इस वीडियो का ऑडियो अपलोड किया जाता है और खबरी ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।